हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। अभी 9:30 बज गए हैं सुबह के, तो अभी करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। डॉक्टर के पास जा रहे हैं और माँ को लेके जा रहे हैं आज मेरठ। माँ को कई महीने हो गए पैर के दर्द की दवाई खाते हुए, तो चल रहा था काम, दवाइयाँ खा रही थी तो रिलैक्स था, लेकिन एक हफ्ता लगभग हो गया होगा, दवाइयों ने भी असर करना बंद कर दिया है। तो मेरठ में डॉक्टर से बात करी है बड़े भाई ने, तो वो भी जा रहे हैं और वहाँ पे दिखाएंगे, जो भी चेकअप्स जो भी टेस्ट होंगे वो करवाएंगे ज़रूरी। चेकली जो भी प्रॉब्लम है उसका पता चल जाए तो फिर दवाइयाँ उसी हिसाब से चल जाती हैं ना। माँ वे दवाई असर नहीं कर रही है। मैं बेटा 6 महीने हो गए होंगे खाते हुए मैं। हाँ, 6 महीने हो गए खाते हुए। पहले तो कुछ आराम था बीच में, हाँ, और करीब कई दिन था आराम नहीं कर रही, बिल्कुल बिल्कुल आराम नहीं है। बदल कर भी लिया है, जब भी आराम नहीं कर रही। इन 5-6 दिनों में 3 फेरी दवा बदल ली, लेकिन कोई भी दवाई कुछ असर नहीं कर रही है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए जो है ये ज़रूरी हो गया जाना। और मेरे साथ जा रही है नंदनी भी, क्योंकि नंदनी ऐसा हो नहीं सकता, इसे लग रहा है ना, पिछले कई बार जो है शादियों में गए हैं हम, तो इसे लग रहा है भाई कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं। नंदनी आप यहीं रह लो। नहीं, मैं भी जाऊंगी। आप भी जाओगे? कहाँ जा रहे हैं हम, पता है आपको? हाँ। कहाँ जा रहे हैं? स्विमिंग पूल के पास। नहाऊंगा स्विमिंग पूल में? नहाएगी ये, पता नहीं कितने बता दिए से भाई, स्विमिंग पूल में नहीं जा रहे, अभी मौसम भी नहीं आई स्विमिंग पूल के। चिंकी ने बताया था, चिंकी ने बताया था कपड़े नीचे करते हैं, ऐसे नहीं करते। अमित आया सुबह से, वीडियो एडिट कर रहा है अपनी फिलहाल। और नंदनी क्या बता रही है, अमित के साथ जाएगी मेरे साथ? मेरे साथ कौन आ रहा गाड़ी लेके? गाड़ी? हाँ, पता आपको? पीपन भैया। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं, तो मम्मी भी जा रही है, पापा जी भी जा रहे हैं, ये वाले अच्छा तो वे भी जा रहे हैं। और कौन नहीं जा रहा है? और टुटू भी नहीं जा रही है। गुड्डू लगती है वो आपकी? गुड्डू दीदी। चलो तो भाई रेडी हो गए हैं सबके सब, नंदनी सहित, और गाड़ी हमारी आ चुकी है, अब हम चले हैं। 9:45 बज गए और 1.25 घंटा लगेगा, 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, तभी का टाइम दिया है हॉस्पिटल खुलने का डॉक्टर साहब ने। नंदनी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन ये रुक गई बीच में ही। क्या कह रहे थे भाई बाबू, बता दे कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ अभी से कुछ नहीं पता, इसे पहुंच के ही पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर के जा रहे हैं, पता बता तो रही। अच्छा, बता दे। डॉक्टर तो पता, माँ को दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर के पास, है ना? और एक जंगल आएगा ना, वहाँ बहुत सारे बंदर होंगे, तो नंदनी को वहीं छोड़ देंगे हमें। हाँ, तो घर पे भी हैं? नहीं, वहाँ जाते हैं। तो प्यास लगती है? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो बाल है। बाल? बाल है। हाँ, बाल। बहुत प्यास लग रही तुझे घर से चल तो ही। क्या खाया था तुमने सुबह? फ्रूटी? कहाँ थी वो फ्रूटी? हाँ। और अभी रास्ते में कुछ नहीं खिलाया इसे हमने, और इसे झपकी सी भी लग गई थी। और माँ जब भी मैं मेरठ आऊँ ना, मुझे तो नींद सी आने लगा है। मैं 4 फेरी आ ली और 4 फेरी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, पता नहीं कितना अड़का सा है मुझे। नंदनी को भी नहीं, नंदनी को भी नहीं होया। अभी माँ को हमने इस वाले हॉस्पिटल में दिखा दिया है, और अभी माँ का MRI होगा, वो होगा दूसरे हॉस्पिटल में, तो पर्चा बन गया इनका, तो अभी चलते हैं दूसरे वाले हॉस्पिटल में। ये देखो, और ये सबसे आगे आगे, इसका बहुत ध्यान करना पड़ा, इसीलिए मना करा जी मरने लाने के लिए इसे, लेकिन इसे तो साथ साथ में चलना था। इसकी खातर? हाँ, मान लेवेंगे इसकी खातर।
फिर इसने अपनी फरमाइश बतानी शुरू कर दी। नुगैरी मुझे जैली खानी, फलाना खाना, ढिकड़ा खाना, पता नहीं क्या क्या खाना। हम नुगैरे से केले खुवा देंगे, अंगूर खुवा देंगे, संतरे खुवा देंगे। बताइए क्या क्या। और माँ से इसने एक सवाल और पूछा। ये बार थी ना अपने पापा के पास में, माँ आपके सुई भी लगी। तो जी MRI कराने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में पहुँच गए, लेकिन इसे भी खिलाना जरूरी है कुछ, इसे भूख लग रही है नंदनी को। माँ को अंदर बैठा दिया और माँ का नंबर आएगा 1 घंटे बाद, नंबर लिखवा दिया गया है, हमें पहले जानकारी मिली थी। और जब तक इसे कोशिश का रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करते हैं, चलो। वैसे तो मैंने इसे हॉस्पिटल में लाने को मना करी थी, मैं गाड़ी में लेकर बैठ जाओ, लेकिन ये मन नहीं माँ के पास। चलो ये देखो रिफ्रेशमेंट चल रहा है इसका पूरा, ये खूब इंजॉय कर रही है अपना, क्योंकि माँ का नंबर आने में तो टाइम लगेगा अभी। और माँ को भी फिक्र हो रही थी, अरे भाई से कुछ खुआ दो, कुछ ना गिराइयो नंदनी। ये देखो यहाँ पे होना है MRI रिपोर्ट माता जी की। और देखो यहाँ बैठे बैठे तो माँ जी भी ऐसे ही थक लेगी, क्योंकि 1.5 घंटे लगभग हो चुका है यहाँ, और अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। हमारी अभी कोई कॉल नहीं है, तो ये तो हम लेट आने में जल्दी नंबर लेके जाते होंगे। तो फिलहाल नंदनी तो अपनी पेट पूजा कर रही है, तो लगी खेल में। माँ का नंबर आ गया और हम बैठे बाहरी वेटिंग रूम में, क्योंकि एक जने को अलग होया हमें साथ में जाना, भाई साहब चले गए। तो खैर जी हम तो इंतजार करेंगे अंदर ना, रिसेप्शन पर थोड़ी सी भीड़ है। उन्होंने बोला बच्चे को लेकर बाहर बैठ जाओ। अरे बच्चा हमें तंग कर रहा है इस टाइम, इसकी लिमिट पूरी होगी थोड़ी देर बैठने। क्या कह रही, हेलो बोल दो से। ना ना नीचे डाल दे, नीचे डाल दे, नीचे डाल दे बेटा। तो माँ को तो बहुत डर लग रहा होगा। अम्मा कह रही मशीन में बहुत डर लगा, क्योंकि अब से पहले ऐसी कोई जांच तो हुई नहीं है। तो MRI अभी फिलहाल हो चुकी है, रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे रिपोर्ट, तब पता चलेगा एक्चुअली। और अभी फिलहाल नंबर आ गया था, नंबर आया 2 घंटे में, आधा घंटा वहाँ लगा, तो लगभग 2.5 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। हॉस्पिटल से हम लोग निकल चुके हैं और अभी 2:45 हो चुके हैं, 3 ही बज जाएंगे बस अब हमें यहाँ से। और अभी डॉक्टर को भी दिखाना, तो जो अभी कुछ पेपर्स वगैरह मिले हैं वो तो ले लिए, लेकिन जो रियल रिपोर्ट्स हैं वो आएगी 3 घंटे बाद। तो मैं और माँ पीछे पीछे हैं और ये दोनों भाई आगे आगे हैं। और मुझे लगा यहाँ से अंगूर ले आगे, दिख के अंगूर ले हो क्या, तो यहाँ तो तोड़ने की पक्की हो रही इसमें, तभी देख लो। अपनी कैब के पास हम लोग पहुँच गए हैं, तो जी अब बैठेंगे बस। और हमने ले लिया ग्रेप्स सबके खाने के लिए, और यहाँ तो नंदनी ने पहले ही रख रखा है इतना सारा सामान, देखो कितना सारा रख रखा और कितना सारा लेगी थी वहाँ मेरे पास भी हॉस्पिटल में। तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू लाइफ स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और माँ का ट्रीटमेंट यहीं से चलेगा। और वहाँ पर जो है टेस्ला हॉस्पिटल में कराया माँ का MRI, तो रिपोर्ट्स हम लोग जो है 3 घंटे बाद आएगी। तो फिलहाल तो माँ को लेकर अंदर चले गए हैं, मैं इसके पास में हूँ क्योंकि ये रो रही थी, फिर अंदर जो है आवाज़ करेगी, शोर शराबा करेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है मैं लेकर यहीं पर बैठ जाती हूँ गाड़ी में ही, और इसे कुछ खिला पिला भी दूंगी। इसे मैं ग्रेप्स खिला रही थी पहले, कई बार माँ को हमने सोचा था कि यहीं पे दिखाएंगे डॉक्टर को, लेकिन माँ ना हर बार टाल देती थी। लेकिन अभी उन्हें ना किसी भी पेन किलर का कोई भी आराम नहीं लग रहा था, तो अब उन्हें मजबूरी में चलना ही पड़ा। हम लोग बोलते थे कि मेरठ दिखा लाएंगे अच्छे से डॉक्टर के यहाँ पर, हड्डियों के या नसों के जो भी डॉक्टर होंगे, जो भी एडवाइस देंगे डॉक्टर, तो आपके जो भी टेस्ट होंगे वो करा लाएंगे। लेकिन माँ बोलती थी क्या पता चलेगा। लेकिन आज जो है माँ को थोड़ी सी एजिटेशन तो हो ही रही थी और डर भी लग रहा था एजिटेशन के साथ साथ, क्योंकि जब अंदर अकेले को भेजते हैं, माँ ये सोच रही थी कि मैं भी जाऊँगी उनके साथ में, लेकिन मुझे बाहर ही भेज देता। मैंने कहा भी ये अकेली जो है जानी पाने की, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि आप ना बाहर ही जाओ, एक ही बंदे को जो पेशेंट है तो वही अंदर जाएगा जिसकी जाँच होनी है। तो अभी यहाँ पे गए हॉस्पिटल में लेकर, थोड़ी देर में आ जाएंगे और देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, उसी हिसाब से फिर जो है माँ का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। आज पिताजी भी गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे दिल्ली सफदरजंग, तो उनका भी आँखों का जो रूटीन चेकअप है वो होना था, तो वो भी गए हुए हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में, वो लोग निकल गए थे। और आज हम भी प्रीति चाचा जी और आज हमारे 4 बच्चे हैं बस घर पर, बाकी सब जो हैं इधर उधर ही हैं। और ये नंदनी तो हमारे साथ में ही आ गई थी, क्योंकि ये तो अकेली रहने वाली नहीं थी घर पे, उन बच्चों के साथ में भी, क्योंकि इसे तो सुनील पापा जरूरी चाहिए। मैं तो बैठी थी नंदनी के लिए यहाँ पे, तो मौका देखते ही आधा घंटा रुक के नंदनी मेरे पास, फिर अपने पापा जी के पास चली गई, क्योंकि वे आए थे माँ की एक्सरे रिपोर्ट लेने के लिए। और माँ भी आ गई थी क्योंकि वहाँ पर भी बैठना ही था, तो थोड़ा घूम रही थी क्योंकि बैठे बैठे ना माँ के पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया। अब देखो जी माँ भी आ गई और ये भी आ गई, माँ इसे लेकर आ गई, नहीं ये देखो
गिर जाएगी तू नंदनी, गिर जाएगी। सुबह के निकले हुए हैं घर से और माँ भी आ गई है अभी गाड़ी में मेरे पास में, तो रिपोर्ट इनकी डॉक्टर ने देख ली है, तो कुछ दिन की दवाइयाँ इनको दे दी गई है माँ को। तो जी चलो देखते हैं कितना फ़र्क लगेगा। रीढ़ की हड्डी में ही है, वही एक्सरे वाली दिक्कत थी MRI में आई, जो रीढ़ की हड्डी इनकी टेढ़ी हो रही। तो फिलहाल अभी नंदनी भी मेरे पास ही आ गई है, लेकिन ये ना खिड़की बिल्कुल नहीं बंद करने की, वहीं पर टंगी हुई है। और अभी भूख का भी टाइम हो रहा, सब लोगों को भूख लग रही। नु कह रही माँ पाँच चार रोटी अपनी बांध लाते ना थैले में एक, अरे बैठ कर खा ले। हाँ ये तो बात ठीक कह रही माँ, कितना टाइम लग जा, देखो कितनी किफायती माँ है। और अंगूर खा लिए तो थोड़े से हमने ब्रेक में, तब जाके गुड्डू के पापा तो बार बार आवे नु कह रहे भूख लग रही। अरे पीपल फिर वहीं ले जा रहा, क्या चांस लगा था मगा मत न दिख रहा वहीं जा रहा इन भूख लग रही बोलने नहीं जा रहा बिल्कुल। दूसरी भी खत्म हो गई जितने डॉक्टरों को जाओगे सब अपनी नन्नरी बताओगे। बता दिया कहने लगा पहले तो गौर नहीं करी तुमने इसकी दर्द की। एक साल तो हो गया एक्सरे को भी वो बेल्ट ला के दे रखी, दवा उदन तो डेली खा रहे। कितनी प्लेट बंद है खा रही है। अब क्या खाऊं यार रास्ते में तो बता दे। और तो सब दिन काट दिया, दो रोटी में एक रोटी। पूरा मेरठ निकल गया, अब यहाँ खाओगे ये छोले कुलचे नन्नू की नहर पे। चलो जी लिया और यहीं से लगवा गा, हम तो यहीं बैठ कर खा लेंगे है वहाँ। हाँ इसमें ले आऊंगे ठीक है। इतना मात वो दे रहे प्लेट लाऊं, इतना मात मुंह धो लेंगे प्लेट लाऊं दोने। चलो जो भी कुछ है ले आओ। 5:33 हो चुकी है, सुबह से निकले हुए 9 के निकल रहे घर से और ये टाइम हो गया। और मारी नंदनी तो खा पी के मस्त हो गया, तो सो गई, दो बार सोई है, लेकिन बीच बीच में उतरना पड़ा ना तो फिर से नींद ही आ गई दोबारा फिर से। तो अब ये मस्त है खा पी के एकदम, और मौज बहुत कराए यहाँ, बोर नहीं होने देती हमें भी। जितना हॉस्पिटल में इंतजार करना पड़ा ना हमें MRI का, उसमें हमारा इसने बहुत साथ दिया टाइम पास करवाने के लिए। ये देखो अपने आप वहीं बैठ कर खा रही और हमारे नाम की यहाँ लिया सरकारी। ये आ गई हमारी फुल प्लेट भर के, ये देखो जल गए। इतने गर्म है, मैं तो मजाक ही सोच रही थी। खा लिया उन्होंने ये तो बिरयानी खा रहे वेज। अच्छा मगर कैसी हो भाई वेज बिरयानी, बस चावल प्याज हो उसमें। माँ को बहम हो रहा नुगे रोटी कैसी है, माँ मका ऐसी है कुलचे ऐसी तो हमें ऐसी है माँ, ये खा लो छोले ही तो है, छोले कुलचे अब खा लिया, अब चलेंगे घर की तरफ। पर नु कह रहे हैं मुझे कहने लगे और मंगवाऊ क्या, मगर मैं तो इनमें छक ली, माँ को तो एक ही बढ़िया लगा, माँ को ना बाहर के सामान पे विश्वास नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो खाना भी चाहिए। पड़ गई क्या चैन सी, तीनों टाइम की एक टाइम कर दिया आज है। थोड़ा बहुत तो चाय है ना, थोड़ा ही बिल्कुल ही हद कर रखी है। तो जी घूमते घुमाते बुढ़ाना पहुंच गए बेचा, और ये नंदनी नहीं जागने का नाम ले रही बिल्कुल भी, ये तो सोए जा रही है। तो अब तो ठीक सा महसूस कर रहे होंगे खाने के बाद में तो, लेकिन माँ थक गई बैठी कह रही बस बैठे नहीं जा रहा है, लिटाई भी थी बीच वाली सीट पे, ये नंदनी उठ के बैठ गई नहीं सोई माँ के दूर। तो मेडिकल स्टोर से लेनी है माँ की कुछ दवाइयाँ, कुछ लेकर आए थे और कुछ यहाँ से ले लेंगे ठीक है। देख ओ भाई यो क्या बांध रखा था सिर के, यो क्या बांध रखा है सिर के, अरे क्या बन रहा है भाई। मुझे मम्मी का फोन चाहिए। तो यहाँ पर आ गई है हमारी गर्मा गर्म चाय।